छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कार्य समिति के पुनर्गठन, आगामी कार्यक्रमों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर पत्रकारों के हितों के कार्य करने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण संघ जो है वो नियमानुसार और नीतिगत सिद्धांतों के आधार पर चलने वाला पहला संगठन है, जिसकी धुरी जो है ना पत्रकारों के बीच ही घूमती है, और उस धुरी में पत्रकारों के लिए हम कुछ सुविधाएं दे सकते हैं वो करते हैं, और कुछ सुविधाएं शासन से मुहैया हो जाए उसका भी हम जी तोड़ प्रयास करते हैं, और उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो भी अभी प्रदेश अध्यक्ष बीडी निजामी साहब ने जो बताया वो सब कुछ आज बैठक में तय हो रहा है और तय किया जा रहा है, और उसकी डेट भर फाइनल नहीं है, लेकिन बहुत सारे कामों का खाका एक तैयार हो गया, रूपरेखा तैयार हो गई है, और बहुत जल्दी पूरे देश के पत्रकार छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी में आएंगे, ये बात की गारंटी दी जा रही है। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, आयुष्मान कार्ड भी चला रही है, वो भी चला रही है, लेकिन पत्रकारों के लिए जो जनसंपर्क से अधिमान्यता का जो कार्ड चलाती है उसके माध्यम से भी बहुत सारी सुविधाओं का अभी अभाव दिखता है, लेकिन उन सुविधाओं को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि मतलब जो पत्रकारों को पत्रकार होने का जो गर्व होता है वो सुविधाएं मिलने से और गौरवान्वित हों। और सरकार का इसमें कोई जाना नहीं है, उनको तो हमको देना है ना, वो हमारे हैं, हम भी सरकार के हैं, देश के साथ हैं, हम लोग प्रदेश के साथ हैं, संस्कृति के साथ, परंपरा के साथ हैं, तो हमारी जो संगठन की जो समस्याएं हैं, सिद्धांत हैं, उसके साथ भी अगर सरकार सरोकार करें तो ये बात से बात आगे बढ़ेगी। पत्रकारों के तो बहुत सारे संगठन हैं, परंतु हमारा संगठन जो है श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ, ये शासन की बहुत सारी योजनाएं जो पत्रकारों के हित में हैं, जिसको बहुत सारे हमारे साथी नहीं जान पाते, उनको उस जानकारी का, उस योजना का लाभ उठाने के लिए वो करना है, प्रेरित करना है, शासन को भी उनकी समस्याओं से अवगत कराना है, ताकि पत्रकार साथी निर्भीक होकर अपने काम को पूरे प्रदेश में कर सकें। ये इसमें भी संगठन काम इसलिए भी करेगा क्योंकि विकास के साथ जितने भी 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं वो सब पीपी मॉडल में बन रहे हैं, और उसमें सब में भुगतान देना पड़ता है। शासन जो है कोई और राहत दे या ना दे, कम से कम पत्रकारों को ये राहत तो दे सकती है, क्योंकि सम्मान भी जुड़ा हुआ है उसमें। हाँ, ये पत्रकार हम लोग संगठन में भी जो बैठक हुई इसमें तय किए हैं कि टोल प्लाजा हो, चाहे ट्रेन और बस में सब्सिडी का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे उनको मूलभूत सुरक्षा का मामला हो उनके, ये सभी मामलों को हम इस सम्मेलन में रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे। श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ की आज प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें जो आज के अहम मुद्दे थे उसमें ये है कि सबसे पहला कि हमारा खुद का जो एक नई प्रदेश कार्य समिति का हमको गठन करना है, हमारा इलेक्शन ड्यू है, एक तो बहुत महत्व उस पर चर्चा हुई आज हमारी। उसके बाद एक और इशू था कि हमारे इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन जो हमारी नेशनल हमारी बॉडी है, उसके लगभग 20 स्टेटों के पत्रकार साथी अगले महीने फरवरी या मार्च में वो यहाँ पर राजधानी रायपुर में 3 दिन के लिए प्लेनरी होगी, वहाँ पर वार्षिक सामान्य सभा होनी है, उसकी तैयारियों को लेकर के यहाँ पर हमारी चर्चा हुई है आज की तारीख में, और उसमें हम 2-3 दिन में हफ्ते में होमवर्क करके हम मार्च में कोई तारीख तय कर रहे हैं, और जो संभवतः 15 तारीख के आसपास होगी, फिलहाल अभी तय नहीं है। इसके लिए हम लोग अगले सप्ताह मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे, भूपेश बघेल जी से, और उनसे राय मशवरा करके कि उनको हम प्रस्ताव देंगे कि लगभग 20-22 स्टेट के लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पर, और आप अपनी सुविधा अनुसार समझ लें, हम वो डेट अपने इंडियन जनरल यूनिवर्सिटी पर उसके बाद कार्यक्रम फाइनल।